हेलो फ्रेंड्स, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। आज हम जो थिंगबैग है 4.0 ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर के साथ आता है, उसके अंदर हम क्या क्या इसके अंदर स्पेशल फंक्शन है वो सब हम देखने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थिंगबैग का जो सॉफ्टवेयर रहता है उसको हम ओपन किए। अभी देखो, आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, सिस्टम आल सिस्टम डायग्नोस। ठीक है, इसके अंदर आपको जितने भी ब्रांड हैं सारे के सारे इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं, आपको इंडिया के अंदर जितने हैं या बाहर हैं सारे के सारे आपको धीरे 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 मिल लेता हूँ। देख सकते हैं, इतने आपको ब्रांड मिलेंगे। पूरा 1 साल प्रॉपर चलेगा इसके अंदर। आपको एक्सपायर डेट भी आपको आ चुका है, ठीक है, 15 तारीख मार्च 2024 तक आपको चलेगा। महिंद्रा महिंद्रा, मारुति मारुति इंडियन, इतने सारे आपको इसके अंदर सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको, ये हो गया डायग्नोस, ठीक है। अभी इसके अंदर स्पेशल फंक्शन, मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर क्या क्या है। मेंटेनेंस फंक्शन के अंदर आपको 15 फंक्शन रहते हैं, ठीक है। टोटल 15 आपको इसके अंदर फंक्शन मिलेंगे। DPF हो गया, इमो हो गया, EGR हो गया, इंजेक्टर हो गया, आयल हो गया, SES हो गया, सन हो गया, ये सब आपको स्पेशल फंक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपको एक स्कैनिंग करके बताता हूँ क्या इसकी स्पीड रहती है। अभी मैं महिंद्रा का ECM लगाया हूँ अपने मशीन के ऊपर, महिंद्रा इंडियन। देखो इसकी स्पीड क्या रहती है। देख सकते हैं, सबसे पहले आपको व्हीकल सिलेक्शन, सर्विस फंक्शन में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। ऑयल मेंटेनेंस सर्विस, स्टीयरिंग एंगल रीसेट, ABS ब्लीडिंग, DPF, सर्विस रीजनरेशन, इंजेक्टर कोडिंग, ठीक है, आपको मेंटेनेंस में इतने मिलेंगे महिंद्रा के अंदर। और दूसरा आपको इमोप्लेजर का भी आप काम कर सकते हैं, BS4 का हो, BS6 का हो, ओल्ड हो, इसके अंदर आपको ये फंक्शन देखने को मिलेंगे। और ओल्ड मेन्यू यानी जो पुराने मॉडल की गाड़ी है इसके अंदर ज़्यादा कुछ सेंसर नहीं आते हैं, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं एक ECM लगाया हूँ, व्हीकल सिलेक्शन में जाता हूँ, पैसेंजर में जाता हूँ, XUV500, ठीक है, XUV500 का मैं अभी इसके अंदर ECM लगाया हूँ। सिस्टम सिलेक्शन में जाता हूँ, ECM में जाता हूँ, देखो इसकी स्पीड, देखो क्या इसकी स्पीड है, रीड फाइल कोड देख सकते हैं, जितने मेरे कोड आ रहे हैं सारे के सारा इसके अंदर बता रहा है, क्योंकि अभी मैं इसके अंदर इमोप्लेजर कुछ नहीं लगाया हूँ, सिर्फ मशीन के ऊपर लगाया हूँ। और एक चीज़ के अंदर एक्चुएशन टेस्ट और डेटा स्ट्रीम भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, कौन सा सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपके हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। और अब मैं एक्चुएशन टेस्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो AC ECM के अंदर AC, फैन 1 फैन 2। अभी मैं देखो मशीन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी आपको मशीन ऑन है, ठीक है। अभी मैं इधर से AC ऑन करूँगा, अभी मैं AC को ऑन करूँगा, AC को सेलेक्ट किया, इधर टेस्ट में दिया, देख सकते हैं AC मेरी ऑन हो चुकी है, देख सकते हैं एक एक्स्ट्रा लाइट मेरा आ चुका है। अभी मैं इधर से बंद करता हूँ, देखो बंद किया, दोबारा ऑन करता हूँ, देखो ऑन हुआ, बंद करता हूँ, देखो बंद किया, ठीक है। ऐसा ही मैं अभी एक फैन वन में सेलेक्ट करता हूँ, फैन 1, ठीक है, इधर से मैं ऑन दे दिया हूँ, देख सकते हैं मेरा जो फैन का जो सिंबल है वो आ चुका है। अभी मैं बंद करूँगा, देखो बंद ऑन बंद, ठीक है। अभी मैं दूसरा फैन, नीचे का फैन एक देखता हूँ, देख सकते हैं दूसरा वाला भी फैन मेरा ऑन हो चुका है, हाफ देख सकते हैं आप। इसके अंदर एक्चुएशन टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग लेवल का जो काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया इसके अंदर रहता है। कम पैसों में आपको एक अच्छा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।